कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुआ करती है और हमेशा 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे के लिए होती है। पहली बार यह हो रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 3 दिन चल रही है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन की बैठक है। 150 लोग आ रहे हैं और पहली बार 3 दिन के लिए हम दिल्ली से बाहर ये बैठक कर रहे हैं। ऐसे तो चिंतन शिविर हुआ है, AICC सेशन भी हुआ है, आपको याद है हैदराबाद में जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, हमारा AICC का प्लीनरी यहाँ हुआ था 2006 में। तो पर वर्किंग कमेटी का बैठक होना ये बड़ा ऐतिहासिक है और इसमें दो राय नहीं है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये वर्किंग कमेटी की बैठक यहाँ बुलाई गई है। ये परिवर्तनकारी क्षण है तेलंगाना की राजनीति के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी जी ने यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के समय 8 जिले को कवर किया था तेलंगाना में, करीब 470 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा था तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कर्नाटक में चुनाव हुए, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, भारी बहुमत से हमारी सरकार बनी, न केवल हमारी सरकार बनी। देखिए उसका अंदाजा लगाइए, आज तक 4 महीने हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता कर्नाटक में घोषणा नहीं किया है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है कर्नाटक में, बीजेपी का गुब्बारा फूट गया है और उसका असर तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। इसीलिए जैसे कि वेणुगोपाल जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के 150 वरिष्ठ नेता, हमारे 4 मुख्यमंत्री कल से यहाँ रहेंगे और परसों दिन कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सभी नेता, हमारे PCC अध्यक्ष, तेलंगाना की जनता के लिए जो 6 गारंटी हम कर रहे हैं, जो वादे हम कर रहे हैं, जिसको हम पूरा कर ही रहेंगे। कर्नाटका में हमने दिखाया है कि 2 महीने के अंदर मोदी सरकार के बावजूद मोदी सरकार ने पूरा प्रयास किया अन्नभाग्य कार्यक्रम को रोकने के लिए, पर हम रुके नहीं, हम पीछे हटे नहीं। और अभी कर्नाटका में हर एक परिवार के महिला को 2000 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जा रहा है प्रति महीना, ये एक ऐतिहासिक है। ऐसे ही तेलंगाना की जनता के लिए 6 गारंटी की घोषणा की जाएगी परसों दिन और हम उम्मीद करते हैं कि जब चुनाव का वक्त आएगा कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एक बात समझ लीजिए, मोदी सरकार और KCR की सरकार एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और हैदराबाद में KCR। हमारे तेलंगाना के बड़े जाने माने कलाकार गदर साहब हुआ करते थे, आपको याद है, तो गदर ने एक बारी कहा मुझे, 5 साल पहले मैंने गदर साहब से पूछा तेलंगाना में क्या हो रहा है, तो गदर साहब ने कहा, जयराम गारू, 1 CR 2 CR 3 CR तेलंगाना में KCR, समझ गए। तो यही है तेलंगाना की कहानी। इस वर्किंग कमेटी के बाद मैं समझता हूं हमारे संगठन में जो नई जोश आई थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो फिर से वापस लौट आएगी और चुनाव के वक्त में आपको देखेंगे तेलंगाना की जनता कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत देगी।